मैं लेकर आई हूँ चने की दाल के पुलाव की रेसिपी। गाइस ये बहुत मजे का बनता है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये देखें मैंने बासमती राइस लिए हैं, 2 घंटे पहले मैंने इनको भिगो दिया था। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 5 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए, इनको काट लिया है मैंने। ये दाल है 1 प्याली, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। देखें बिल्कुल नरम सा आपको इसको बॉयल कर लेना है। ये लिया है मैंने जीरा 1 चम्मच, 1 अदद मैंने छोटी प्याज लिए बारीक काट लिया है, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, ये भंगार के लिए है चावलों के, और इसकी मैं बनाऊंगी चटनी। ये देखें मैंने लहसुन लिया है, थोड़ी सी साबुत मिर्चें ली हैं, जीरा लिया है और नमक लिया है, इसकी हम चटनी बनाएंगे। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है गाइस। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चटनी को जो हमने सामान लिया है वो हम इसको पीस लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है आपने। ये देखें मैंने पीस लिया है, अब मैं इसको भूनूंगी चटनी को। थोड़ा सा मैं ऑयल लूंगी, ये देखें थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा डालूंगी, बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम, थोड़ा सा ज़ीरा कलर आ जाए ज़ीरे में। फिर हम इसमें चटनी ऐड करेंगे। जब तक ये चटनी भुन रही है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखिए मैंने चटनी इसमें ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है, आप इसको दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहें, ये बहुत मज़े की लगती है। और आप इसको बना के एक साथ स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। ये देखें इसका तेल सेपरेट होने लगा है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको भूननी है। अब मैं थोड़ी सी इसमें इमली डालूंगी, 4 से 5 कटारे, उसकी खटास बहुत मज़े की लगती है इसमें। ये देखें माशाल्लाह तेल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया, ये बिल्कुल भुन चुकी है। अब मैं इसमें इमली ऐड करूंगी। ये देखें इमली डाल के हमें 5 मिनट और भूनना है इसको। इसको आप बेसन की रोटियों के साथ, दाल चावल के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहें, ये बहुत मज़ेदार लगती है। बिल्कुल चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको हटा दूंगी, एक तरफ रख दूंगी। अब हम चावल बना लेते हैं। मैंने 1 प्याली तेल लिया है, इसको गर्म कर लिया है मैंने। इसमें ये जो मेरे मसाले हैं, ज़ीरा और गरम मसाला और तेज़पत्ता, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, प्याज हमें ब्राउन करनी है इसमें। ये देखें प्याज भी ऐड कर दिए मैंने, ये हम ब्राउन करेंगे। चावल मैंने 1/2 किलो लिए थे और 1 प्याली मेरी दाल थी। ये देखें ब्राउन हो गई है, मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड करूंगी। मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, मैं इसको भूनूंगी थोड़ी देर ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन की, अच्छे से खुशबू आने लगेगी इसमें। बस 5 मिनट आपको इसको भूनना है। ये देखें ये भून चुका है, तेल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। अब मैं इसमें मिर्चें ऐड कर दूंगी, इसको मिर्चों को भी हम इसमें साथ में ही भून लेंगे इसके। ये देखें इस तरह से जो भुन चुकी हैं मिर्चें भी हमारी, अच्छी से खुशबू आ गई है मिर्चों की इसमें, मसाले में। अब मैं इसमें ये देखें दाल ऐड कर दूंगी। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें इसको इसमें। ये देखें इस तरह से, ये बहुत मज़े के चावल बनते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है बिल्कुल। ये देखें मैंने नमक डाल दिया है चावलों के हिसाब से, तकरीबन 2 चम्मच, 2 टीस्पून है, टीस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, 2 टीस्पून लिया है मैंने नमक। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1.5 गिलास। बस इसमें बॉयल आएगा, फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। 5 मिनट तक आप इसको ढक के पकाएं, इसमें बॉयल आ जाए अच्छा सा, तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे फिर। ये देखें बॉयल आने लगा है इसमें, और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है हरी मिर्चों की इसमें, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें अब मैं चावल इसमें ऐड कर दूंगी। नमक आप टेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के बाद। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे इसकी लुक आई है।
ये देखें पानी हमारा ड्राई हो गया है तकरीबन, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी सी देर हम इसको और पकाएंगे। हल्के हाथ से आप इसको चला दें। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये चावल। बस ये तकरीबन ड्राई हो गया है पानी हमारा, इसको लगा दूंगी दम पे। बस इस टाइम पे हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये बन चुके हैं हमारे चावल, रेडी है बिल्कुल। इतने ज़बरदस्त, इतनी प्यार मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। ये देखें मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें। ये अचार है, ये भी मैंने घर में बनाया हुआ है, ये चटनी इसके साथ। ये चावल इतने ज़बरदस्त बने हैं गाइस, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।